देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये कांस्टेंट स्पीड से कोई वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा है, रेडियस 1.6 मीटर पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि इससे पानी नीचे ना गिरे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पूछा ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे 25। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होनी चाहिए? मान लो इसकी स्पीड 20 है, क्रिटिकल स्पीड। पानी कब गिर जाएगा? जब इस पानी का इसका जो बॉटम है इसे कांटेक्ट हट जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। तो अगर यहाँ पे पानी है उसका कांटेक्ट इस सरफेस हट जाए, पानी नीचे गिर जाएगा। अब कांटेक्ट कब तक बना रहेगा? जब तक कि पानी और इस सरफेस के बीच में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। कांटेक्ट मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे यही है, ये वाला मार्कर इस पे कब तक रहेगा? जब तक इसके इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। जैसे इसके इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन गायब हो गया, बाहर हट गया, तो बस साथ में रहने का बस एक ही तरीका है कि पानी और इस सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो रहे। तो इस पानी की पार्टिकल की एबीडी बनाएंगे जो कि कांटेक्ट में है। तो जब एबीडी बनाओगे पानी को तो एमजी नीचे दिखाओगे, नॉर्मल रिएक्शन जस्ट, अच्छा जितना इधर जाओगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन घटेगा धीरे धीरे। जैसे टेंशन घटता है वैसे ही एन घटता है, नहीं पढ़े थे सिलेंडर के अंदर मोशन, वैसे ये भी है, वहां भी एन था यहाँ भी एन है। जब ये टॉप पे जाएगा तो एन घटेगा, एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। उस केस की जो स्पीड होगी वो सबसे कम स्पीड होगी, और स्पीड बढ़ाओगे तो तुम ऐसा देख सकते हो इसमें पानी है नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता है स्रोत, इसे पानी रखेगा ऐसा खूब तेज घुमाऊंगा ना, तुम आज घर पे करना ऐसा, इसे पानी रखना हल्का सा ग्लास में या बॉटल में, और फिर इसको ऐसे खूब तेज घुमा रहा, देखना पानी नहीं गिरेगा, लेकिन उसको धीरे से घुमा रहा, देखना पानी, देखो पानी था, पानी गिर गया, बहुत तेज घुमा पानी नहीं गिर रहा था। क्या रीजन था? क्योंकि इस पानी और इस जो बॉटम है ना उसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो था। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड के केस में एन जस्ट जीरो हो रहा होगा और रेडियस 1.6 मीटर का है। क्या लिखोगे? टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन, एम जी बराबर एम बी सी स्क्वायर बाई आर, और आर इज 1.6, देन बी सी इज व्हाट 1.6, एम सेम कटेगा, जी की वजह से 10, तो बी सी इज 4 मीटर पर सेकंड, एंड दिस वन इज आंसर। एनी डाउट? सर वो एक बार फिर से बता दीजिए, क्यों नहीं गिर रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दिया था। इसलिए नहीं गिर रहा था क्योंकि ये जो वाटर है इसका जो ग्लास है, ग्लास का जो बॉटम है ना, बॉटम ये वाला, इसके और इस पानी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है। जब तक एन रहेगा तब तक नहीं गिरेगा, और स्पीड जितनी कम होगी एन उतना कम होगा। तो मिनिमम स्पीड के केस में यहाँ का एन जस्ट जीरो का भी है और ये सेंटर है, तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स क्वेश्चन क्या लिखोगी? एम जी बराबर एम बी सी स्क्वायर बाई आर, तो बी सी आ गया इतना। और अगर एन को शो करना चाहते हो तो भी देखो टुवर्ड द सेंटर फोर्स क्वेश्चन क्या लिखोगे? एन प्लस एम जी बराबर एम बी सी स्क्वायर बाई आर, आर इज 1.6। अब देखो अगर बी सी को मिनिमाइज करना है तो एम जी तो कॉन्स्टेंट है, एन को कम से कम करना पड़ेगा, तो बी सी मिनिमम पे एन क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो प्लस एम जी बराबर एम बी सी स्क्वायर बाई 1.6, देन व्हाट इज बी सी? इट इज 4। बस समझ में सर ये जो स्ट्रिंग से अटैच है मतलब वही है। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि व्हेन अ रोड इज ड्राई एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना। इफ द रोड बिकम्स वेट एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ परमिटेड? ये तो मैं तुम लोग से करवा नहीं था, बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट म्यू आर जी, याद करो मैक्सिमम स्पीड ड्राई रोड पे, तो बी की वैल्यू पहले कितनी है? 10 है, लिखोगे अंडर रूट म्यू, और आर कितना है? आर ही रहने दो, इंटू जी। फिर कह रहा है कि जब ये म्यू म्यू बाई 2 हो जाएगा, रेडियस वही है, तो ये वाला स्पीड कितनी हो जाएगी? निकालना पड़ेगा तुम्हें बी वन, तो समझ सकते हो रूट 2 टाइम्स जाएगा ना जब ये कटेगा, तो बी वन इज नथिंग बट 10 बाई रूट 2। इसको इसको डिवाइड कर तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सस्पेंशन और सेंटर के बीच दूरी एच है और ये लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, और यहाँ पे जो पेंडुलम घूम रहा है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ऐसे घूम रहा है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो याद करो
मैं कोनिकल पेंडुलम में करवाया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एच अपान जी इफेक्टिव, तो लिफ्ट नीचे को आ रहा है तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी माइनस ए, टी के बोलो 2 प्लेस कर दो, 2, एच के बोलो 2 प्लेस कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तो बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 अपान जी माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कटेगा, यहां से क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर बनेगा ना, रिपीट कर रहा हूँ, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है, 10, तो ये कितना आएगा 40, तो 40 इक्वल्स टू 10 माइनस ए, देन व्हाट इज 8, मैं कुछ मिसचेक कर रहा हूँ, या 2 पाई सर वो ए जो है वो स्क्वायर, रिटार्डेशन है। फोर होगा, फोर है करते, ठीक है स्क्वायरिंग करें तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बनेगा ये 2 पाई स्क्वायर, तो बनेगा 20, तो फिर ये पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा, नेगेटिव क्यों आ रहा सर वो ए जो है वो ऊपर होगा सर, रिटार्डेशन लिखा है ना उसमें, मूविंग डाउनवर्ड विद रिटार्डेशन। है? ओके गॉट इट, क्वेश्चन लिखा है कि मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर करोगे, सही कर रहा था, तो ये हो जाएगा जी प्लस ए, लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है, जी प्लस ए, जी प्लस ए, अब ये जी प्लस ए आएगा तो ये कितना आएगा 30, तो आंसर इज 30, एनी डाउट। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दो पार्टिकल ए और बी है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें एंगल टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें एंगल टी के प्रोपोर्शनल है, पार्टिकल ए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में रूट पाई सेकंड लगाता है, पार्टिकल बी आधा रिवोल्यूशन करने में 4 पाई सेकंड लगाता है, पूछ रहा फाइंड डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू पी एट टी और 5 सेकंड, 5 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताइए, ठीक है गुड। अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो क्या लिखोगे, थीटा ए बराबर सम कांस्टेंट सी वन इंटू टी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो डीओ, ये थीटा है ना, तो इसे थीटा बी कितना आएगा, थीटा बी करो थीटा ए, तो मैं कर गया हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, इट इज बनेगा 2c1t, तो सिमिलरली इसके लिए थीटा बी बराबर क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनलिटी बनेगा c2 इनटू टी, यहां से डिफरेंशिएट करो ये बनेगा ओमेगा बी बराबर c2, ये बन गया, अब ओमेगा ए अपान ओमेगा बी, तो ओमेगा ए अपान ओमेगा बी इसको इसको डिवाइड कर दो तो बनेगा 2 c1 अपॉन c2 इंटू टी, ठीक है ओके, 5 सेकंड पे 5 सेकंड प्लेस करते हैं यहाँ पे, ये कितना आएगा 10 c1 अपॉन c2, अब c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा, वो इससे आएगा हाफ, एक रिवोल्यूशन में रूट 5 सेकंड ही लगा रहा है, तो ये जो थीटा आ रहा है ना थीटा, इसके जगह पे एंगल लिखो, 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल, 2 पाई एंगल, तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल, तो 2 पाई बराबर पार्टिकल एक 2 पाई और c1 इंटू टी स्क्वायर, c1 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है रूट पाई स्क्वायर करके आ जाएगा पाई, देन व्हाट इज c1, देन c1 इज 2 सेकंड, सिमिलरली ये क्या थीटा बी हाफ रिवोल्यूशन का मतलब पाई सेकंड, माइक बंद कर दो तुम लोग, अपना माइक बंद कर, हाफ रिवोल्यूशन मतलब पाई सेकंड, यहाँ पे पाई सेकंड लिखा, इट इज c2 इंटू टी, और टी कितना 4 सेकंड, 4 पाई सेकंड, तो इससे c2 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 1/4, उठा के यहाँ पर रख दो 10 c1 अपॉन c2, तो c1 के जगह बेटा 2 लिखोगे और c2 के जगह बेटा 1/4, देन वैल्यू इज 20 c, एंड दिस इज आंसर, गॉट इट।